देखते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 12। ए डाई टॉस थ्राइस, क्वेश्चन नंबर 12। एक डाई है जिसको टॉस किया गया थ्राइस, तो टोटल पॉसिबल जो केसेस होंगे वो 6 रेस टू पावर 3 216 216। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस। अब देखो डाई तीन बार उछाली गई है, ए डाई थ्रोन थ्राइस, तो ओड नंबर आए कम से कम एक बार, एट लीस्ट वंस, तो एक जगह पे इस जगह पे भी आ सकता है, वो इस जगह पे भी आ सकता है और वो इस जगह पे भी आ सकता है, कम से कम एक जगह है तो दो जगह पे भी आ सकता है, दो जगह पे इन दोनों जगह पे आ सकता है, दो जगह पे इन दोनों जगह पे भी आ सकता है और दो जगह पे इन दोनों जगह पे भी आ सकता है और वो तीनों जगह पे भी आ सकता है। देखो इतने सारे केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे हमें, इसका रिवर्स एक केस बनता है, क्या कि कहीं पे भी नहीं आया, कहीं पे भी ओड नंबर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि किसी भी पोजीशन पे ओड नंबर नहीं आया और उसको वन में से माइनस कर देंगे, क्योंकि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल वन। तो इस केस की बजाय, इतने सारे केसेस कैलकुलेट करने की बजाय, हम किसी भी डाई पे ओड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और फिर उसको वन में से माइनस कर देंगे। अब आप देखेंगे जब एक डाई उछालते हैं तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 या 6 ये केसेस हो सकते हैं, इसमें ओड नंबर क्या हो सकता है, 1, 3 और 5, तो प्रोबेबिलिटी ओड नंबर आने की कितनी होती है, प्रॉब्लम ओड नंबर 3/6 मींस 1/2 और प्रोबेबिलिटी ओड नंबर ना आने की इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो भी कितना आया, 1/2। तो हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट ओड नंबर डज नॉट कम्स ऑन एनी डाई, किसी भी डाई पे ओड नंबर ना आए, मींस फर्स्ट डाई पे भी ओड नंबर ना आए, सेकंड डाई पे भी ओड नंबर ना आए और थर्ड डाई पे भी ओड नंबर ना आए, तो ओड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पे भी 1/2, 1/2 एंड 1/2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/8। अब हम निकाल देंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मींस इसको हम 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 7/8। नहीं तो आपको इस केस के लिए जैसे आपने ये किया है अलग करना पड़ेगा, प्लस इस केस के लिए अलग, प्लस इसके लिए अलग, प्लस इसके लिए, इन सबको करके और फिर उनको प्लस करना पड़ेगा, तो बेटर यही है कि उसका जो नोट है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी जो कि काफी डिफिकल्ट थी, हमने उसके ना होने की निकाल के और उसको क्या किया, 1 में से माइनस कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, कितनी बॉल्स निकाली है, 2 बॉल्स और कैसे है, विद रिप्लेसमेंट। टू बॉल्स है और विद रिप्लेसमेंट है, टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड, एक बॉक्स के अंदर जिसके अंदर 10 ब्लैक है एंड 8 रेड है, तो टोटल उसके अंदर कितनी बॉल है,
18 बोल्स है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बोथ आर रेड, सेकंड फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड. फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड. थर्ड वन ऑफ देम इज ब्लैक, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड वन इज रेड. फर्स्ट केस विद रिप्लेसमेंट है तो कॉम्बिनेशन वाला सी का फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हम. फर्स्ट बोथ द बॉल्स आर रेड मींस जो फर्स्ट है वो भी रेड है और जो सेकंड है वो भी रेड है. जो फर्स्ट बॉल है टोटल बॉल कितनी है, फर्स्ट कितने में से निकलेगी 18 में से, और सेकंड बॉल भी कितने में से निकलेगी 18 में से ही, क्योंकि क्योंकि बॉल को रिप्लेसमेंट है, वापस डाल दिया गया था एक बॉल को निकाल के उसका कलर देख के. तो फर्स्ट रेड कितने में से निकलेगी 8 में से, और सेकंड रेड भी कितने में से निकलेगी 8 में से ही निकलेगी क्योंकि बॉल को वापस डाल दिया गया. तो यहां से 4 ये 9, यहां पे 4 और ये 9, 16 डिवाइड बाय 81. नेक्स्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड. तो यहां पे फर्स्ट ब्लैक है और सेकंड रेड है. फर्स्ट इज ब्लैक बीवन, फर्स्ट इज ब्लैक, वन स्टैंड फॉर फर्स्ट एंड टू स्टैंड फॉर सेकंड. ब्लैक, ब्लैक बॉल कितने में से निकलेगी 18 में से, ब्लैक है कितनी 10. उसके बाद रेड सेकंड बॉल कितने में से निकलेगी 18 में से क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, और रेड है कितनी हमारे पास 8. तो यहां 5 9 4 9, तो ये आ गया 20 डिवाइड बाय 18. इसी तरह से थर्ड वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड वन इज रेड, उनमें से एक ब्लैक है और एक रेड है, लेकिन ये नहीं कहा कौन सी ब्लैक है और कौन सी रेड है. तो फर्स्ट ब्लैक भी हो सकती है और फर्स्ट रेड भी हो सकती है. तो केसेस बनेंगे कि फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड हो सकती है, नहीं तो फर्स्ट रेड और सेकंड ब्लैक हो सकती है. ये वाला केस तो यही हो गया 10 डिवाइड बाय 18 और 8 डिवाइड बाय 18. फर्स्ट 18 में से फर्स्ट रेड, रेड 8 है, और ये फिर 18 में से ब्लैक भी हमारे पास कितनी है 10. तो यहां से 5 9 4 9 4 9 और ये 5 9. तो यहां से 20 डिवाइड बाय 81 और ये भी 20 डिवाइड बाय 81, तो कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 81. तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3. ए के किसी प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और बी की उस प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है. इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अगर दोनों ही सोल्व ट्राई करते हैं सोल्व करने की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट प्रॉब्लम इज सोल्व. फर्स्ट पार्ट प्रॉब्लम इज सोल्व, सेकेंड एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम. दो केसेस दिए. अब देखो ए के प्रॉब्लम को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, तो ए के उस प्रॉब्लम के ना सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस हो जाएगी, कितना आ गया 1/2. बी के उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो बी के उस प्रॉब्लम के ना सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3 कितना आ जाएगा 2/3. फर्स्ट पार्ट प्रॉब्लम इज सोल्व, दोनों ने ट्राई किया, तो प्रॉब्लम किसने सोल्व की होगी, ए ने की होगी या बी ने की होगी. प्रॉब्लिटी इस बात की निकालने की प्रॉब्लम सोल्व होगी, तो एक तो ये केस हो सकता है कि ए ने कर दी और बी से ना हुई हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ए से ना हुई हो और बी से हो गई हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ने सोल्व कर दी हो, क्योंकि प्रॉब्लम सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है, प्रॉब्लम इज सोल्व, सोल्व करना है, तो सोल्व ए भी कर सकता है, सोल्व बी भी कर सकता है और दोनों भी कर सकते हैं.
अब देखो ए के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और बी से ना सोल्व हो तो ये होगी 2/3 और के लिए क्या आ जाएगा प्लस ए के ना सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2 बी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और के लिए प्लस ए के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और इसकी 1/3 तो ये आ गया 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 6 एलसीएम आ गया 2 प्लस 1 प्लस 1 4/6 मीन्स 2/3 तो ये इसका आंसर आ गया प्रॉब्लम इज सॉल्व। सेकंड पार्ट में एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एक सॉल्व करे दोनों ना सॉल्व करे तो ये कौन कर सकता है, ए भी कर सकता है बी से ना हो और बी कर सकता है ए से ना हो, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। यहां से यही पार्ट आगे वाला 1/2 और 2/3 और 1/2 और 1/3 ये दो पार्ट होगी हमारे, यही तो है दोनों पार्ट। तो ये 2/6 और 1/6 ये हो जाएगा 3/6 सोल्व करने के बाद आ जाएगा 1/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड निकाला गया है 52 कार्ड्स में से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, कौन से केसेस में ई और एफ जो इवेंट है इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट ई, ई कहा है उसने कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, जो कार्ड ड्रॉ किया गया है वो स्पेड है, और एफ जो कार्ड ड्रॉन है वो एस है फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस के लिए वो कह रहे हैं कि ई कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक और एफ कार्ड ड्रॉन इज किंग, और थर्ड केस के लिए कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, ई किंग और क्वीन और एफ क्वीन और जैक। तो ये तीन केसेस है, पूछा है कि किसमें इंडिपेंडेंट है, कार्ड निकाला है। अब आप देखो स्पेड कितने होते हैं 13, एस कितने होते हैं 4, तो ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 13/52 1/4, एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 4/52 1/13। ये सारे स्पेड है और ये सारे एस हैं, तो एस इक्के चार इक्के हैं, तो एक एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा, एक हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा, तो एक इस इक्का जो स्पेड का इक्का है वो कॉमन होगा, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कौन आएगा एस ऑफ स्पेड एक आ गया। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/52, तो पी ई और पी एफ की मल्टीप्लाई की 1/4 और 1/13 कितना आ गया 1/52, दोनों इक्वल आ गई, तो पी ई मल्टीप्लाइड बाय पी एफ दैट इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो यस इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये कैसी इवेंट होगी इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट ई ब्लैक, ब्लैक कितने होते हैं 26, तो पी ई 26/52 1/2, एफ किंग, किंग कितने होते हैं 4, तो पी एफ 4/52 1/13। तो देखो 4 किंग है और ये ब्लैक है, तो 4 पिंक किंग में से 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कौन आ गया 2 ब्लैक किंग, 2 ब्लैक किंग आ गए, कौन कौन से स्पेड के और क्लब के, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी होगी 2/52 1/26, तो पी ई मल्टीप्लाइड बाय पी एफ चेक किया पी ई है 1/2 और पी एफ है 1/13, तो ये आ गया 1/26 दोनों इक्वल आ गए ये भी, तो यस अगेन इस केस में भी हमारे पास इवेंट कैसी हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। थर्ड केस में ई किंग और क्वीन, 4 किंग और 4 क्वीन 8 हो गए,
एफ क्वीन और जैक, फोर क्वीन और फोर जैक, ये भी एट हो गई। ई इंटरसेक्शन एफ में कौन आ गया, क्वीन, चारों क्वीन दोनों में आ गई, तो इसमें फोर हो गई। तो ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, एट डिवाइड बाय 52, टू डिवाइड बाय 13। एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, एट डिवाइड बाय 52, टू डिवाइड बाय 13। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, फोर डिवाइड बाय 52, 1/13। तो पीई मल्टीप्लाइड बाय पीएफ, 2/13 और 2/13, 4/169। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आए, ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब नोट, नोट इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। तो जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो 60% है, एंड 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 40%, एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 20%। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब देखो आप इसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे कि हिंदी के लिए हम एच यूज कर लेते हैं, इंग्लिश के लिए हम ई यूज कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एच की 60/100 यानी कि 6/10, 10 कैंसिल कर लेते, ज्यादा कैंसिल नहीं करते क्योंकि एलसीएम में फिर दिक्कत आएगी। प्रोबेबिलिटी ई ये 40/100 4/10, और बोथ मतलब इंटरसेक्शन, एच इंटरसेक्शन ई, एच इंटरसेक्शन ई, ये 20/100 मीन्स 2/10। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड नाइदर हिंदी नोर इंग्लिश न्यूज़पेपर। फर्स्ट नाइदर हिंदी नोर इंग्लिश न्यूज़पेपर। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि ना तो वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े, दोनों में से कोई सा भी ना पढ़े, ना इधर हिंदी एच बार नोर इंग्लिश ई बार, कोई सा भी नहीं, दोनों में से दोनों ही नहीं पढ़ती, तो इंटरसेक्शन। तो इसको मैं लिख सकता हूं पी बार कंप्लीट को लगाएंगे तो एच यूनियन ई हो जाएगा, और एच यूनियन इसको लिख देंगे 1-P एच यूनियन ई। अब देखो एच प्रोबेबिलिटी एच यूनियन ई क्या फॉर्मूला, पीई पी एच लिख देते हैं पहले क्योंकि एच है, प्लस पीई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। एच में है हमारे पास 6/10, 4/10 और ये 2/10। 10 एलसीएम 6+4-2, 10-2 8/10, यहां पे आ गया इस केस के लिए 1-8/10 मीन्स 2/10। तो ये इसका आंसर है फर्स्ट का। सेकंड पार्ट इसका 0.2 भी लिख सकते हो। इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का 13.1 का क्वेश्चन दे दिया, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, इफ वाली जो कंडीशन होती है वो नीचे होती है, तो प्रोबेबिलिटी इफ शी रीड हिंदी एच यहां पे आ गया। फाइंड दी, फाइंड ए होता है हमारा, तो फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, ई ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, E इंटरसेक्शन H डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी H। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 2/10 और H की प्रोबेबिलिटी है 6/10, तो ये कैंसिल आ जाएगा, 2/6 मींस 1/3। इसी तरह से तीसरा जो पार्ट है इसका वो है, इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। If she reads English newspaper, if वाला B होता है तो E नीचे आ गया। Find the probability that he reads Hindi newspaper. तो P
ई इंटरसेक्शन एच ये तो ऐसे ही रहेगा और नीचे आपकी बार क्या आ जाएगा ई, तो ये 2/10 और ई के लिए हमारे पास 4/10, तो 2/4 मीन्स 1/2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई, व्हेन ए पेयर ऑफ डाई डाई इज रोल्ड, जब दो डाई छाड़ी है तो हर डाई पे इवन प्राइम नंबर। अब देखो एक डाई पे नंबर आता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, उसमें प्राइम नंबर है हमारे पास प्राइम नंबर्स 2, 3 और 5, और उसमें से इवन प्राइम नंबर है 2, only 2, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक ही केस है 1/6, लेकिन कितनी डाई है पेयर ऑफ डाई, इसका मतलब फर्स्ट वाले में भी इवन प्राइम नंबर और सेकंड वाले में भी इवन प्राइम नंबर, तो कितना हो जाएगा 1/36। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि जब दो डाई छाड़ते हैं तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1 up to 3, 6, 4, 1 up to 4, 6, 5, 1 up to 5, 6, 6, 1 into 6, 6, सारी की सारी डाई पे क्या है इवन प्राइम नंबर और ईच डाई, दोनों ही डाई पे प्राइम नंबर आया और कैसा इवन, तो एक ही तो केस हुआ 2, 2, तो 1/36। या ऐसे कर सकते हैं फर्स्ट डाई पे भी इवन प्राइम नंबर, सेकंड पे भी इवन प्राइम नंबर, फर्स्ट पे इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 क्योंकि एक ही केस है, सेकंड पे भी 1/6 तो 1/36, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 अगेन ऑप्शनल है, 17 भी ऑप्शनल था। टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, दो इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट होगी कब पूछ रहा है। ऑप्शन है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फर्स्ट बी पी ए बार बी बार दैट इज इक्वल टू 1 - PA और 1 - PB, सी पी ए इज इक्वल टू PB और डी PA प्लस PB इज इक्वल टू 1, तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखेंगे कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट होती हैं तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। अब ऐसी कोई कंडीशन तो इसके अंदर है नहीं है। अब आप देखें कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसी तो कोई बात है नहीं है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल आएगी, ये भी कोई बात नहीं है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होगा, ये भी कोई बात नहीं है। अब बची हमारे पास ये कि ये सही है या नहीं है। अब देखो हमारे पास क्या है कि पी ए बार बी बार मीन्स ये हमारे पास इंटरसेक्शन है, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और हमने एक नियम पढ़ा था कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो किसके इक्वल होंगे, पी ए बार और पी बी बार के। पी ए बार को हम लिख सकते हैं 1 - PA, पी ए बार को हम लिख सकते हैं 1 - PA और पी बी बार को हम लिख सकते हैं 1 - PB, प्रोबेबिलिटी बी की हो गया हमारा ही, तो यस बी इज द राइट आंसर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.2।